ये दोनों घातक बीमारियां हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। किसान भाई क्या करते हैं कि बार बार घूम के चले जाते हैं। और वो क्या, पहले तो फर्स्ट में ऊपर टॉप पे लगता है, बाद में नीचे के पत्तों से बढ़ के ऊपर तक पहुंच जाती है, पत्तों तक और फलियों तक भी पहुंच जाती है, और फिर वो अपना उत्पादन बढ़ा देती है। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, अगर आपके सरसों में भी फूल और फलियां बनने लग गई है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी समय पर किसान भाई को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। दो ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देंगी। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही बरती, थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया अपनी फसल में, तो काफी ज्यादा लॉस आपको हो सकता है। इस टाइम पर आमतौर पर होता क्या है कि किसान भाई देख रेख में थोड़ी लापरवाही कर देते हैं और उसी के चलते काफी ज्यादा नुकसान उनको हो जाता है। तो किसान भाइयों, दो ऐसी बीमारियां सरसों की खेती में मुख्यतः है। सिर्फ दो ही बीमारियां लगती है सरसों में, ज्यादा बीमारियां नहीं लगती। अगर लगती है तो आपको कैसे पहचान करनी है, अगर लग जाती है तो आपको कैसे निदान करना है, क्या दवा देनी है, किस तरह से दवा देनी है, तो इस वीडियो में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी। आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और अपनी सरसों में जा करके देखना अगर ये समस्या है तो आप कैसे निदान कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर जी, सबसे पहले तो किसान भाई को अपना परिचय बता दें। किसान भाइयों राम राम, मैं बनवार जी नाडला, नाडला बाबा कृषि फार्म से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गरड़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूं मैं। तो सर जी, सरसों की क्रॉप में मुख्यतः दो बीमारियां लगती है। तो पहली जो बीमारी है वो किसान भाई के अगर लग जाए तो किसान भाई कैसे देख सकता है, कैसे पहचान कर सकता है, अगर लग गई हो तो कैसे निदान कर सकता है? देखो सर, ये प्रश्न भी आपने बहुत सही किया है कि किसान देखे कैसे। किसान भाई क्या करते हैं कि बार बार घूम के चले जाते हैं। तो पहली बीमारी जो है वो पहली बीमारी फंगस की आती है। तो ये अपन अंदर के खेत के अंदर घुस के और फिर पत्ते को पलट के देखो, यदि पीछे डॉट्स डॉट्स आ गए ना व्हाइट वाले, तो अपने चालू हो गई वो बीमारी। प्रथम स्टेज है डॉट्स। जी जी जी। तो डॉट्स आने के बाद में क्या है कि आपके वो बीमारी चालू हो गई, फिर क्या होगा, आपके नीचे के पत्ते जल जाएंगे। सर जी, ये जो आप बता रहे हैं फंगस, ये क्यों लगती है, किस स्टेज में जाकर के लग सकती है अपनी? देखो, ये इसलिए लगती है कि ज्यादा मौसम में नमी रहती है ना, मौसम में नमी रहती है, फसल घनी रहती है, ज्यादा घनी फसल में जहाँ सूर्य का प्रकाश जमीन तक ना पहुंचे वहां ये बीमारी आ जाती है। और वो क्या, नीचे के पत्तों में आती है, फिर नीचे के पत्तों से बढ़ के ऊपर तक पहुंच जाती है, पत्तों तक और फलियों तक भी पहुंच जाती है, और फिर वो अपना उत्पादन बढ़ा देती है। तो पहले क्या, अपने पत्तों को तोड़ के या अंदर घुस के पीछे से पलट के देखो, यदि व्हाइट व्हाइट डॉट्स, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट डॉट्स आ गए ना, तो आप उसमें बाउस्टीन का स्प्रे करो, बिल्कुल करना ही है, बाउस्टीन का स्प्रे करो उसमें। और यदि आपके नहीं है तो अन्यथा खर्चा भी मत करो। अगर बीमारी नहीं है तो आपको कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। यदि बीमारी नहीं है ना, और आप 50 यूट्यूब देख लो जाए, कोई मतलब नहीं है। वो कहना इसको स्प्रे करो, नहीं करना। 15 दिन के अंदर तो हर दवाई का वेलवेशन, मतलब उसकी क्षमता घट जाती है, खत्म हो जाता है उसका असर। 15 दिन में उसका असर खत्म हो जाता है। आपने स्प्रे कर दिया, 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद में उस दवाई का असर खत्म हो गया, दोबारा फंगस आ गया, फिर दोबारा छिड़क हो गया। तो जब स्टार्ट हो ना बीमारी, जब ही लगाओ आप, अन्यथा मत लगाओ। सिर्फ देख रेख पे ध्यान रखो, देख रेख पे ध्यान रखो, वो बीमारी बढ़े नहीं। इसका लक्षण बताता हूँ मैं आपको कि पहले व्हाइट व्हाइट डॉट्स आएंगे, फिर नीचे के पत्ते आपके ज्यादा पीले पड़ जाएंगे, पीले पड़ने के बाद में वो जल ही जाएंगे पत्ते, और जो ही पत्ते जले उत्पादन घटा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधा पत्तों से ही भोजन बनाता है, इसलिए वो उत्पादन घटा देता है। जी जी। दूसरी बीमारी कौन सी है, कैसे बनती है, कैसे पहचान कर सकता है किसान भाई? किसान भाई देखो, अपने को खेत, ये तो बाहर भी दिखाएगी आपको, अंदर से नहीं, ये तो बाहर भी दिखाएगी। जब अपन मेड़ मेड़ घूमते हैं ना, तो ये बाहर भी दिखेगी। जब ये अपने फूल आता है ना, फूल फूल के ऊपर टॉप हिस्से पे, यही इस फूलों की यहाँ बिल्कुल लास्ट में, या पीछे पीछे काले काले से मच्छर से दिखते हैं आपको शुरू में,
शुरू में काले काले से मच्छर से दिखेंगे, बारीक 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 बारीक, वही होता है मोइला, वही होता है चेपा, उसी को चेपा बोलते हैं। और वो क्या, पहले तो फर्स्ट में ऊपर टॉप पे लगता है, बाद में फिर वो धीरे 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 उनके बच्चे पैदा करके वो ग्रीन रूप में नीचे तक फलियों तक आ जाते हैं। तो किसान भाइयों अपने को इसी चीज पे देखना, फर्स्ट में यह कालापन काले काले से जो मोइला वो चेपा स्टार्ट यहाँ से होता है। ये जो बीमारी आप बता रहे हैं चेपा मोइला क्यों लगती है, कौन सी सरसों में लगने का ज्यादा खतरा रहता है इसमें? देखो किसान भाइयों, ये जब लगती है जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी चल रही है तो कोई नहीं लगेगी ये, क्योंकि सर्दी के अंदर चेपे की शिकायत मोइले की शिकायत होती नहीं है, सर्दी के अंदर ये खत्म हो जाते हैं, प्रकृति कंट्रोल कर लेती है इनको, अपन कहते हैं ना प्रकृति कंट्रोल कर लेती है। मगर जो ही थोड़ा गर्म मौसम जैसे बदल हुए या अपना मौसम का टेम्परेचर, कई किसान भाइयों के लेट भी होती है सरसों, लेट हो जाती है उनके सरसों, तो उनके उत्पादन घटने का मात्र यही कारण रहता है कि वो मोले चेपे के ग्रस्त में आ जाती है फसल, और फिर वो क्या आगे बढ़वार नहीं होने देती पौधे की, जो फलियां बन गई वही, और वो भी उनका भी रस सूंस लेती है, तो वो क्या उनका खत्म हो जाता है, मतलब जो पौधा अंदर से नीचे से भोजन बना के भेजेगा और वो सूंस लेगा, तो उत्पादन घट जाता है उसका। जी जी जी। और तो इसीलिए क्या है कि वो देखते रहे, वो जो लेट फसल होती है ना उसमें ज्यादा लगता है, क्योंकि मौसम बदल जाता है। भाई अपन क्या है कि जैसे हमने बताया अक्टूबर का महीना बेस्ट रहता है, क्यों रहता है कि वो सर्दी सर्दी के अंदर वो फसल पक जाती है और जो ही मौसम चेंज हुआ, गर्मी का मौसम आया और फिर मोइले की शिकायत बढ़ जाती है, क्यों, वो मरता तो है नहीं, प्रकृति कंट्रोल करती तो है नहीं उसको, और वो बढ़ जाता है। तो कई किसान भाइयों की जैसे फसल लेट है उनके चेपे की शिकायत आ सकती है, बदल रहे बरसात का मौसम रहा, तो ये दोनों बीमारियां, ये एक तो ये फंगस वाली और ये दोनों घातक बीमारियां हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। जी जी जी। हाँ जी। तो सर जी, जैसे मान लो ये चेपा मोइला वाली समस्या किसान भाई को आती है तो कैसे निदान कर सकता है, क्या डोज रख सकता है, थोड़ा सटीक उत्तर दें किसान। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, ये अपने बीमारी तो बता रहे हैं, ये दवाई दो, इसमें देखो सर 0.25 पाउडर आता है एक, उसका डस्टिंग कराओ आप, 0.25 कई कंपनियां बनाती है, 0.25 कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं हमको कंपनी का वो नहीं करे भाई, आप उस कंपनी का करो, 0.25 का डस्टिंग कराओ, स्प्रे नहीं, डस्टिंग पाउडर को उड़ाओ हाथ से, जैसे अपन बिजाई करते हैं यूरिया की, उस तरह से छिड़काव करना आपको, ऐसे उड़ाना हवा में, तो फूल मतलब उड़ के अपने फूलों पर पहुंच जाए। फिर ये नहीं हो सकता, आप स्प्रे कराना चाहते हो तो जो 15 लीटर की टंकी आती है किसान भाइयों के पास, 20 लीटर की भी आती है, 25 लीटर की भी आती है, तो इसमें मैंने बताया कि 1 लीटर में 2 ml, 20 लीटर में 40 ml, 15 लीटर में 30 ml, ये तो अपने को डालनी है मोनोक्रोटोपस साथ में। अब आप स्प्रे तो कर ही रहे हो तो इसमें फंगस वाली भी मिला लो आप, बिल्कुल, तो फंगस वाली है बावस्टीन, मैं इसका ज्यादा सरसों के लिए बावस्टीन का बता रहा हूँ, वैसे M45 भी होती है, ब्लूकोपर भी होती है, काफी रहती है, मगर आप इसमें है ना ब्लूकोपर वगैरह जड़ में इनमें ज्यादा काम आती है, मगर आप है ना ये जो बावस्टीन है ना इसका स्प्रे करना आप, इसमें टंकी में डालना, मोनोक्रोटोपस के साथ मिला लेना, वो भी आधा कप अपन चाय पीते ना, आधा कप लेके 20 लीटर की या 15 लीटर की टंकी में घोल बना के उसमें डाल देना। जी जी। और फिर स्प्रे कर देना, आपके ये समस्या का समाधान हो जाएगा चेपे वाली का। जी जी जी। 15 दिन के बाद में यदि फिर दोबारा होता है, फिर तो मौसम चेंज हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, मगर फिर भी होता तो एक स्प्रे और दोबारा मार देना, बाकी ये तुम्हारी रोग खत्म हो जाएगा। ये फंगस वाला भी, फंगस भी लग सकता है, ये अपन जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, फंगस की दवाई जब छिड़को, जब उसमें डॉट डॉट सा आपको दिखे, मगर आप स्प्रे तो कर ही रहे हो, कर रहे हो ना भाई, आपके मोइला लग गया बिल्कुल है ना, तो कर रहे हो तो फिर उसमें बावस्टीन भी मिला लो जी, तो वो आपका फंगस का भी, अब 15 दिन का एवरेज है, 15 दिन बाद में तो फसल पकने वाली हो जाती है कई किसान भाइयों के, बिल्कुल, तो इसलिए वो भी मिला लो और आप स्प्रे कर दो। ये जो मोले में दो ही बीमारी है और ये लास्ट यही है इसमें बीमारी, फर्स्ट की छोड़ो आप, फर्स्ट में तो बहुत पहले जो लगी, अब तो आपकी फसलें बड़ी हो गई, और अब ये करो, और कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं किसी की भी। जी जी जी। और फूल फलियों में कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है कि ये फलियों में ये स्प्रे करो और वो करो, इससे उत्पादन बढ़ जाएगा, अनावश्यक खर्चा है किसान भाइयों, ये सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य, हमने जो बताई है ना बात, बिल्कुल उसको आप फॉलो करना, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, हमने अनावश्यक चीजें कोई बताई नहीं जी, जो आपको अनावश्यक खर्चा हो। जी बिल्कुल। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपको भी धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी, हमारी कोशिश रहती है कि आपको प्रैक्टिकल जानकारी दें और ज्यादा से ज्यादा लाभ आप उस जानकारी से ले सकें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
वीडियो को अपने दोस्तों और किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। और अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार खेती से रिलेटेड शानदार जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, राम राम किसान भाइयों।